अस्सलाम वालेकुम YouTube YouTube फैमिली, फैमिली क्या हाल चाल खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक ठाक हैं सबके सब। तो चले चले आज आज का का व्लॉग व्लॉग करते करते हैं हैं शुरू। शुरू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? सब खैरियत से हैं क्या? अच्छा, और आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं, चल रहे हैं आज के व्लॉग करते हैं शुरू। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज फिर बारिश हो रही है, दिन से बड़ा अच्छा मौसम है, ठीक है ना? बहुत बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है, पकोड़े खाने वाला। ये क्यों खुला है? वैसे ही खुला हुआ दरवाज़ा। अच्छा, हो गया आराम, गया हो कहीं उधर गया है। तो किधर गया मैं? हाँ ये रहा। तो कल फरहान को चोट लग गई थी जैसे आपको पता ही है, तो उसके हाथ में भी दर्द हो रहा है और उसकी टांग में भी, घुटने में भी काफ़ी चोट लगी थी। तो कल तो उसको पट्टी कर दी थी और आज उसकी मम्मी उसके दोबारा पट्टी खोल के लगा रही हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा फ्लिप करके। ये देखें, उसके घुटने पे चोट लगी थी तो अभी उसकी सारी वो पट्टी निकाल लिया, तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही, क्योंकि पट्टी चिपक गई थी, क्योंकि बरसात में पट्टी चिपक जाती है और ज़ख़म और गीला है। तो मैंने कहा कि बरसात है छोड़ दो। और ये देखें इसकी हालत, इसको आज स्कूल भी नहीं भेजा इसलिए ये और हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और अभी ये गाड़ी फॉर सेल का मैंने बोर्ड भी बोर्ड कह रहा हूँ, ये पेपर लगाना है अपनी गाड़ी में, ठीक है ना? तो इसको फिर लगाते हैं, या अभी लगाएं या सुलेमान है तब लगाएं, क्या ख्याल है? क्या ख्याल है भाई? सुलेमान आए तो फिर लगाते हैं। तो चलो सुलेमान आएगा तो फिर लगाते हैं। तो ये जो पट्टी मैं लगाया था मुझे ये ताकि इससे मुझे कुछ हो सकता है, दर्द तो ना आपका भी, आप ये छोड़ दो बस। अब आपका अपना मालिश करवा लो, ठीक है ना? अब इसकी करते हैं मालिश, इसकी बेगम साहब से करते हैं मालिश इसके हाथों में, क्योंकि इसके हाथों में भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ा, क्योंकि ये साइकिल चलाते हुए धड़ाम झंझे गया। और मैं बस रेडी होकर अपने ऑफिस जाता हूँ, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। और बेगम साहब से कहते हैं कोई पकोड़े शकोड़े बना लें, अगर बनाते हैं। Oh my God! Wow! या शाम को खाएं पकोड़े, शाम को पकोड़े खाते हैं। चलो देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना? मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो चलें, तकरीबन 2 बजने वाले हैं, 2 से 3 मिनट रह गए हैं। तो चलें सुलेमान को स्कूल से लेके आते हैं और पहले जाके पेट्रोल डलवाएँ, क्योंकि गाड़ी मुझे मोटरसाइकिल लग रहा है पेट्रोल कम है, मैंने चेक किया है, ठीक है ना? तो पहले चलते हैं सुलेमान को ले आते हैं। कहाँ चला गया मैं? हाँ ये रहा। तो सुलेमान को लेके आते हैं, साथ पेट्रोल डलवाते हैं और सुलेमान के स्कूल में आपको, ठीक है ना? स्कूल हम इसके पहुँच गए सुलेमान के, और कॉल कर दी गई है सुलेमान, ये निकल आया। ये देखें सुलेमान आ गया। चलें जी, मोबाइल पकड़ें आप। इतना लेट हो गया, वो पेट्रोल डलवाने लग गया था गाड़ी मोटरसाइकिल में यार। क्या खत्म? हाँ अभी यहाँ से सुलेमान एंटर होगा, ठीक है ना? उसको नहीं पता कि उसकी वीडियो बना। वालेकुम अस्सलाम। चावल हैं भाई? तुम्हारे चावल तो खराब थे, चावल पिछले बार
मैंने खाए थे, अब बच्चे खाएंगे। भाई मंडे को तो इन दोनों ने खाए थे, अब बच्चे खाएंगे भाई। नो नो, मंडे को किस किसने खाए थे? यहाँ पे हस्बैंड साहब ने नमाज पढ़ ली है और मैंने चाय भी बना ली है, ठीक है। और चाय के साथ क्या है? गुलाब जामुन। वाओ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ब्यूटीफुल, मजा आ जाएगा भाई अब तो। और किचन में मैं क्या कर रही हूँ तो दिखाती हूँ अपने व्यूअर्स को। ये देखें, पकोड़े बनाने लगी हूँ हस्बैंड की फरमाइश पे। पकोड़े, जरा सी बारिश हो लगते हैं पकौड़े बना लो, पकौड़े बना लो। आज रेनी डे है, रेनी डे है ना, आज बात तो सही है। सुबह आप बताए, मैंने आपको दिखाया था कितना जबरदस्त वेदर है। सुबह जब बारिश हुई थी तो फिर मैंने कहा था कि रेनी डे पकौड़े बनेंगे। पकौड़े बना लो, पकौड़े बना लो। और अब इतने सा बेसन है तो थोड़े से बन जाएंगे, ठीक है। चिप्स अलग बनेंगे, उसको बेसन नहीं लग सकता, बेसन बस इतना से रहेगा। समझ आ गई? चल अरे चाय पीते हैं, पहले चाय पीते हैं फिर कुछ और का। चलो ये देखें, ये चाय, गुलाब जामुन, दो ही रह गए, तीन थे चार थे बस। चटो छोटा है, छोटा वाला अभी अभी खा लिया एक। अच्छा, एक सुलेमान खा गया। चलो फरहान को भी आवाज़ दे दो, फरहान आ जाओ बेटा, चाय चाय पी लो। एक तेरा एक मेरा, एक तेरा तो एक मेरा। चलें अब इसको गाड़ी के पे लगाते हैं। सुलेमान बाहर खेल रहा है, उसको कहते हैं कि चलो आज आओ चल रहे हैं, मिल के लगाते हैं दोनों, ठीक है ना। ये गाड़ी की चाबी, गाड़ी लॉक तो नहीं है, गाड़ी खुली हुई है। सुलेमान से कहते हैं कि आ जाएं, ये चाबी पकड़ लेते हैं। सुलेमान आओ बेटा, आओ वो लगाएं, ये दरवाज़ा खोलो। ये साहब साइकिल चला रहे हैं, देखें ना, कल फरहान यहाँ गिरा था ना इस जगह पे, वो सारी रेत रेत उड़ गई है। और ये साइकिल थी, ये लो चाबी से खोलो, ये खोलो चाबी से, ये चाबी से खोलता है और तो ये लगाते हैं अंदर से जाके, वो खोलो इसका, यहाँ नहीं अंदर लगेगा बेटा, अंदर से लगता है तो जल्दी जल्दी खोलो। ये देखें, अभी मैं क्या करता, दबाओ ना बेटा बटन पूरा दबाओ, फुल ही दबा रहा हूँ, फुल जबर है। हाँ हाँ, गाड़ी खुलनी चाहिए, गाड़ी खुलनी चाहिए, गाड़ी का वो बैटरी नहीं है ना, बैटरी से चाबी लेके आओ। अच्छा पहले चाबी लेके आते हैं ना फिर लगा करते हैं इसका, दो दिन सबर करें यार। तो फाइनली वो गाड़ी की मैंने बैटरी निकाल के अंदर यूपीएस के पास अपना कन्वर्टर में लगाई हुई है, तो इसलिए ये इसकी डिग्गी नहीं खुल रही क्योंकि इसकी डिग्गी बैटरी से कनेक्टेड है। तो सुलेमान अंदर घुस गया, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, सुलेमान ये अंदर घुसा हुआ है और मुझे कह रहा है कि टेप काट के दें, तो मैं उसको टेप काट के देता हूँ। तो यार मैं ये एक मिनट, फिर आप रुकिए ज़रा। और ये देखें सुलेमान अंदर लगा रहा है, आपको सुलेमान तो नज़र नहीं आ रहा होगा, चलो लगाओ ये स्टेट। हाँ चलो ठीक है, और नीचे भी लगा दो एक, और एक और काटो इधर से, बेगम साहब अभी आ गई। हाँ एक यहाँ लगा दो नीचे, वो एक दी मैं तुम्हें, मैं दो उधर, और बेटा एक दी तो है, तीन उधर एक और पड़ी होगी। हाँ तो तीसरी कहाँ लगाई है? अच्छा एक और दो भाई इसको फिर काट गया। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहे हो? अल्लाह हाफिज़। और ये लग गया।